मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के खड़ी मशीन रोड पर एक कुत्ते के साथ ऑटो रिक्शा में सेक्स करते हुए एक शख्स की वीडियो सामने आई थी, जिसके बाद मुमरा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराने की मांग की जा रही थी। और मुमरा के जो एनिमल लवर हैं वो लगातार मुमरा पुलिस स्टेशन जा रहे थे इसकी शिकायत दर्ज कराने के लिए, लेकिन विजय नीलकंठ रंगारे, ये महाराष्ट्र राज्य एनिमल ऑफिसर हैं, ये मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंचे और कल रात में उस शख्स के खिलाफ मुमरा पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये शख्स मुमरा का ही रहने वाला है जिसने कुत्ते के साथ इस तरह की घटना की है, और इसका नाम जो है वो FIR में करीम बताया गया है कि करीम इसका नाम है। बहरहाल FIR दर्ज हो गई है और उसे गिरफ्तार करने के लिए जो है पुलिस तलाश भी कर रही है, और आज कुत्ते का मेडिकल करने के लिए जो एनिमल लवर है वो लेकर गए हैं मेडिकल के लिए। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया कि किस तरह से इस शख्स ने एक ऑटो रिक्शा में एक कुत्ते के साथ इस तरह की हरकत की है, और अब FIR भी दर्ज हो गया है। जी, मेरा नाम विजय रंगार है, मैं एनिमल वेलफेयर ऑफिसर हूँ महाराष्ट्र राज्य। हमें कंप्लेंट मिली थी कि एक डॉग के ऊपर में रेप हुआ है मुमरा एरिया में, तो उसी के संदर्भ में मैं आज यहाँ पे आया था। तो अभी जिसका जैसे नाम पता चला है, जो आरोपी का करीम जैसा कुछ नाम पता चला है, तो उसके ऊपर IPC सेक्शन 377 एंड एनिमल क्रुएल्टी एक्ट 111 के अंतर्गत FIR दाखिल हो चुकी है। अभी आगे की जो प्रोसेस है, डॉग का मेडिकल होना है या जो भी है, फिर कल से हम लोग उसके ऊपर भी काम करेंगे। डिटेक्शन टीम एंड जो अभी उनका काम करेगी, फिर पता चलेगा फाइंड आउट करके कि कहाँ एग्जैक्टली रहता है वो। ये देखिए, ये जस्ट बेजुमानों तक के सीमित नहीं है, ये आज एनिमल के ऊपर हो रहा है, कल ही आपके बच्चों के ऊपर भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों को मतलब समाज के लिए खतरा है ये लोग। नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी सर्च चल रहा है उसका, क्योंकि अभी तक के फाइंड आउट नहीं हुआ है, तो देखिए कब तक हो पाता है। आजकल में जैसे भी है, टीम तो लगी हुई है। जैसे कि आपको पता है कि जब परसों हमको न्यूज़ मालूम पड़ी, कल भी हमने 2 से 3 घंटा यहाँ पर टाइम स्पेंड किया था, और उसके बाद भी हमको एक तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल पा रहा था और ना FIR दर्ज हो रही थी। फिर एनिमल वेलफेयर ऑफिसर वगैरह आए और दूसरे भी सोर्स लगाने के बाद 8 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद, 4 बजे से लेके आए, 12 बज चुके हैं, 8 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली FIR दर्ज हुई है। कल से इंशाल्लाह डॉग के मेडिकल और जो कल्पित है उसकी तलाश जारी करेंगे। होप्स हो के मुमरा के लोग भी उसको ढूंढने में हमारी मदद करें, ढूंढने के लिए भी काफ़ी टाइम जाएगा, और हम लोग जनता से भी अपील करेंगे कि इस तरह की क्रुएल्टी के केसेस जो भी आते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया से पहले मुमरा के जो भी एनिमल वेलफेयर वाले हैं जो काम करते हैं उन तक पहुँचाएं। इस चीज़ों को बाहर वायरल करने से पहले मुमरा के लोगों को ही जागरूक करें ताकि हम लोग इस पर काम कर सकें, और आगे से मतलब ये चीज़ें ना हो इसके लिए एक अवेयरनेस की भी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मानसिकता बिगड़ती जा रही है मुमरा में, ये चीज़ें होना आगे के लिए बहुत खतरा है।